हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज उर्वशी जोशी एंड दिस इज माय चैनल 333 हाई प्रीसेस. हो सकता है आप गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग में देख रहे हो इस वीडियो को, बट मैं जब बना रही हूँ तो मॉर्निंग हो रही है. दोस्तों, पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी. उस अनाउंसमेंट में आपको ये बताना चाहूँगी कि अब बस मैं 3 से 4 और वीडियो बनाऊंगी इस चैनल पे. जो आखिरी इन्फॉर्मेशन रह गई हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए, बस उन चीज़ों के ऊपर मैं और 3 से मैक्सिमम 4 वीडियो और बनाऊंगी. वो लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है, है ना, जो आप जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं और दूंगी. और उसके बाद जो है मैं इस चैनल पे और वीडियोस नहीं बनाऊंगी. उसका रीज़न मैं बता देती हूँ आपको. और अगर इन फ्यूचर मैंने कोई वीडियो डाला तो वो चैनलिंग से रिलेटेड होगा सिर्फ. जो भी मुझे सबकॉन्शियस माइंड से जो भी फ्यूचर इवेंट्स या कुछ मैस्कुलाइन या फेमिनाइन की एनर्जीज के बारे में पता चलेगा, सिर्फ मैं उस एनर्जी को जो है अपडेट करूंगी एज ए चैनल. उसके अलावा जो है सिर्फ आप आखिरी के 3 से 4 वीडियोज जो हैं मैं अपलोड करूंगी. क्योंकि इसका रीज़न ये है दोस्तों कि उसका रीज़न ये है कि देखो, कर्मा का ना एक लॉ होता है कि आप जो देते हो ना वही चीज़ वापस आती है आपके पास. जब मैं छोटी थी ना, अकेले रहती थी, परेशान रहती थी, तो मैं तब भी जो है अपने आप, चाहे हमारे घर में कैसे भी हालात चल रहे हो, फिर भी मुझे कोई उदास नज़र आता था ना, तो मैं हमेशा उसकी मदद करती थी. तो जब मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे टफ स्टेज में थी ना, तो जो मैंने अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे थोड़ा थोड़ा किसी की मदद करी थी, तब जब मैं बहुत परेशान थी, तो जब मैं अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक स्टेज में थी ना, 2017 टू 2019 ग्रहण योग जिसे कहते हैं मेरा चल रहा था, तो इतने सारे लोग आए मेरी ज़िंदगी में मुझे रास्ता देने के लिए. तो मैं ऐसे हैरान हो गई कि इतने सारे लोग कैसे आ गए मेरी ज़िंदगी में इस वक्त. कोई मुझे फाइनेंशियली अबंडेंस कर रहा है, मतलब कोई मुझे गाइडेंस कर रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, और मतलब इतने सारे लोग आ गए हेल्प करने के लिए. तो तब मुझे समझ आया कि कर्मा का जो ये लॉ जो है, जो मैंने जब कभी छोटी थी, हमारी फैमिली डिसफंक्शनल थी, हमारे घर में अजीब सा माहौल बना रहता था, उसके बावजूद भी मैं स्कूल जाती थी, कोई मुझे परेशान दिख रहा है तो मैं उसको हेल्प करना, अपनी सोसाइटी में मुझे कोई दुखी दिख रहा है तो मैं उसको मोटिवेट करना. तो मैंने देखा कि वो कलेक्टिंग तौर पे मेरे पास जो है ना, वो वापस आया जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में थी. अब जब मैंने ये चैनल बनाया, तो मैंने इस चैनल पे शुरू में जो है आपको ट्विन फ्लेम के बारे में सब समझाया कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, अपनी युगल आत्मा से मिलते हो, तो कैसा लगता है, क्या होता है. उसके बाद जो है मैंने आपको सारे नंबर्स के, कई नंबर्स के जो है मतलब बताए, मास्टर नंबर्स के और 6996, इन नंबर्स के मतलब बताए. फिर मैंने आपको राहु के बारे में बताया, फिर मैंने आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, मूलाधार चक्र के बारे में, सेक्रल चक्र के बारे में बताया. बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी. मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो एक डिज़ायर से ऊपर उठ के मोक्षा पे जाने की जर्नी है. आपका ट्विन फ्लेम आपको जगाने के लिए आता है. उसके अलावा मैंने अनगिनत जो है चैनल वीडियोस भी यहाँ पे डाले. सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो बिल्कुल प्योर एंड ऑथेंटिक थी. लेकिन दोस्तों, अब क्या हो रहा है ना, मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि बहुत सारा धांधलाबाजी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट ईयर दे दी थी वही इन्फॉर्मेशन अब जाके जो दूसरे चैनल्स उनको होश आ रहे हैं, और अब वो उन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं. तो चलो, कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो अब जाके जो है इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं जो है 1-1.5 साल पहले बात कर चुकी हूँ. बट द थिंग इज लाइक कि दोस्तों, ट्विन फ्लेम के नाम पे इतना ज़्यादा धांधलाबाजी, इतना ज़्यादा झूठ, इतना ज़्यादा नाटक, इतना ज़्यादा लोगों को बहकाया जा रहा है कि मुझे ना इस दुनिया से नफरत हो रही है. मतलब ये जो पूरा का पूरा ट्विन फ्लेम वर्ल्ड है ना, जो उस दुनिया से मुझे नफरत सी होने लग गई है कि कोई कैसे ट्विन फ्लेम के नाम पे जो है लोगों को जो है इतना पागल बना सकता है कि शादीशुदा लोग हों, या फिर बूढ़े लोग हों, या एक एज के लोग हों, 40+ 50+ लोग हैं, उनको उल्लू बनाया जा रहा है, उनके माइंड्स के साथ खेला जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको उनके घर वालों से अलग किया जा रहा है. तो मुझे ना इस वर्ल्ड से जो है ना, इस ट्विन फ्लेम वर्ल्ड से जो है, मतलब ट्विन फ्लेम वर्ल्ड नहीं, मतलब इस ट्विन फ्लेम की दुनिया से ना थोड़ी सी वो होने लग गई है. मतलब मुझे इस दुनिया का इस तरीके से पार्ट बन के नहीं रहना, ठीक है. फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है मैं आपको जो है प्योर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है देने पे लगी हुई हूँ. बट मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है एक्चुअली में वो हील हुए हैं. नो डाउट कि वो हील हुए हैं, उन्हें रास्ता मिला है. और बहुत सारे और चैनल्स ने जो है बहुत सारे मेरे कंटेंट्स को उठा उठा के जो है अपने तरीके से जो है बताया है. बट दैट्स ग्रेट, चलो वो भी अच्छी बात थी कि अगर बताया भी है तो, ठीक है.
बट अभी भी मैं कई चैनल्स को देखती हूँ कि वो लोग जो है लोगों को जो है बिल्कुल इल्यूजन और भ्रम में जो है पागल बना रहे हैं, लोगों की मेंटल हालतों के साथ जो है मेंटल इम्बैलेंस कर रहे हैं एक्चुअली में उनको। ये जर्नी में जो है ना हमें एसेंशन करना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना होता है, अपनी सारी डिजायर्स के ऊपर ओवरकम करना होता है। और मैं ये देखती हूँ कि लोग जो है बस आपका ट्विन, उसकी कार्मिक, आप अपने ट्विन को इमेजिन करते रहो, आप फलाना करते रहो, ढिकाना करते रहो करके पूरा पागल बना के रखा हुआ है। मुझे ना ये दुनिया ही एक नर्क जैसी लगने लग गई अब, मतलब मैं हील होके बाहर आ चुकी हूँ ठीक है, लेकिन मैं जब इस दुनिया में कभी पीछे पलट के लोगों को देखती हूँ कि ये क्या कर रहा है, तो मुझे ना इस दुनिया से नफरत सी होने लग गई है कि ये क्या माहौल है, ये लोग क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला कि कर्मा का एक लॉ होता है कि जो आप देते हो वही पलट के आपके पास वापस आता है, जब आपका टाइम या ग्रह स्थिति जब नेगेटिव होती है तो वही आपको, जैसे अगर आपने किसी को पागल बनाया तो वो आपको पागल बनाएगा, अगर आपने गुरु बन के किसी की मदद करी है तो कोई गुरु बन के आपकी लाइफ में आएगा आपकी मदद करने के लिए ठीक है। अब ये है कि मैं इस दुनिया का ज्यादा पार्ट बन के नहीं रहना चाहती हूँ, और आखिरी की जो तीन चार इन्फॉर्मेशन और रह गई है जो मेरे अंदर है, जो मैं आपको देना चाहती हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको दे दूंगी ठीक है। उसके अलावा जो मुझे कभी चैनलिंग्स वगैरह हुई तो वो मैं अपलोड कर दिया करूंगी, हालांकि मैं उसको भी ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, बट वो जो रियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि मुझे लगे कि ईश्वर ये मुझे या सबकॉन्शियस माइंड जो है ये देने की कोशिश कर रहा है, तो वो मैं अपलोड करूंगी बस। उसके अलावा जो है अब मैं जो है और इस चैनल पे काम नहीं करूंगी। मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है जिसमें कि मैं जो है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी नहीं, ओवरऑल जो सारे लोग हैं, सारी दुनिया है ना, उनके लिए जो है मैं एक मतलब सब लोगों के लिए होगा वो चैनल, इंट्यूटिव करके मैं एक चैनल बना रही हूँ, और उस पे जो है मैं सब लोगों के लिए, कोई ट्विन फ्लेम कम्युनिटी नहीं, सारे लोगों के लिए जो है उसमें वीडियो बना करेंगे ठीक है, ताकि जो है हर घर की मदद हो सके, हर घर, कोई घर में कोई डिप्रेशन में ना जाए, हर घर में लोगों को अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, संस्कारों में चलना है, उन सब बातों के बारे में मैं वहां पे बात करूंगी। बट अब इस दुनिया से मैं जाना चाहती, मतलब ये वाली जो दुनिया है ट्विन फ्लेम वाली, इससे मैं मतलब अब इसमें और ज्यादा रहना नहीं चाहती हूँ, और आखिरी की जो तीन चार चीजें रह गई हैं वो मैं यहाँ दे दूंगी। और उसके अलावा इन चैनल वीडियोज अगर मुझे कभी भी प्राप्त हो तो वो मैं टाइम टाइम पे अपलोड करती रहूंगी, बट अब और ज्यादा इस दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि मैं इस जो ट्विन फ्लेम पूरा का पूरा यूट्यूब वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा जो है लोगों को जो है पागल बनाने पे तुला हुआ है। आपकी शादी कब होगी ट्विन से आपका, मतलब 45 साल की लेडी मुझे कह रही है कि मेरी शादी कब होगी मेरे ट्विन से, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, और ज्यादातर लोग जो मेरे पास आ रहे हैं जब उनसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रखे हैं। पर मैं वो बात उनको, कई लड़कियां आके मुझे मैसेजेस कर देंगी कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, मैं उनको बोलती हूँ टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट, पहले अपने पेरेंट्स से बात करो कि तुम्हारी क्या मनःस्थिति हो रही है, तुम्हारा इम्बैलेंस हो रहा है, लेकिन ये हुआ कहाँ से है, ये जितने घटिया गंदे वीडियो जो चल रहे हैं ना, फालतू फालतू बाजिया, जब पूरे दिन लोग जो है टैरो कार्ड्स देख रहे हैं या चैनलिंग वीडियो, उसमें उनकी मनोस्थिति, मन की स्थिति खराब हो रही है। तो मैं इस दुनिया का और ज्यादा जो है पार्ट नहीं बन के रहना चाहती हूँ, तो मैं जो है मैं बस अब इन पे वीडियोस बनाना जो है, अब जो आखिरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रह गई हैं बस वो यहाँ पे दूंगी, और उसके बाद जो मेरा नया चैनल है जो सबके लिए होगा वहां पे काम करूंगी ठीक है। बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों की तरफ से और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आखिरी की जो 2-3 वीडियोस है उनमें मैं पूरा जितना दे सकती हूँ वो सब बता दूंगी आप लोगों को आने वाले दिनों में ठीक है। और मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कि ज्यादा डिजायर्स में मत पड़ो और डिजायर वाली चीजों में मत जाओ, अपने सबकॉन्शियस को हील करो, ना कि उसको और ज्यादा गहरा करो ठीक है, वरना मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटली इम्बैलेंस हो सकते हो आप लोग मेरी सोल फैमिली हो, मेरे भाई बहन हो, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है परेशान हो। तो चलो ये तो चलो अनाउंसमेंट थी, और अच्छा आज हम बात करेंगे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में ठीक है। तो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको तीन चीजें बताती हूँ, तीन जानवरों के बारे में बताती हूँ। कोई डॉग, जैसे डॉग है, डॉग की क्या आदत होती है, भौंकना, भौं भौं भौं, वो करता रहेगा कंटिन्यूसली। हाथी की क्या आदत होती है, आराम से मस्त होके चलता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी इशू हो जाए तो वो पागल जैसा हो जाता है, पागल के जैसे बौखलाने लग जाता है इधर से उधर। हाथी को देखना आप, वैसे तो अपने हाथी की चाल में मस्त चलेगा, लेकिन जब उसको सोल किसी भी बात का शौक लगता है तो वो एकदम से बौखला जाता है। और एक और है जिसको हम कहते हैं आउल,
तो आउल का क्या नेचर है, आउल का नेचर होता है कि वो रात को भी देख सकता है, जब कोई नहीं देख सकता तब वो देख सकता है, ठीक है। तो उसका विजडम बहुत अलग लेवल का है। सो इन तीन जानवरों, इन पक्षी और इन जानवरों के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, हमारे आप जितने भी ट्विन्स हैं या जितने भी लोग हैं, हमारे ब्रेन, हमारे अंदर तीन तरीके के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। सो जो सबकॉन्शियस है उसको मैं डॉग से मिलाऊंगी, जो कॉन्शियस है उसको मैं हाथी से मिलाऊंगी, और जो अनकॉन्शियस है उसको मैं आउल से मिलाऊंगी। सो जब आपके दिमाग में ऐसा लगे कि हर वक्त जो है पीछे से कोई चर 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 नॉन स्टॉप लगा पड़ा है, आप कह रहे हो कि ये मेरे दिमाग में 24 आवर्स पीछे चल क्या रहा है, ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, ये हर वक्त मुझे बेचैन क्यों कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, ये एनर्जी ऐसे क्यों लग रही है कि हर वक्त 24 आवर मेरे दिमाग में चली जा रही है, चली जा रही है और मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो ये जो नॉन स्टॉप चली जा रही है ना 24 आवर पीछे, ये वही डॉग है और ये आपका वो सबकॉन्शियस माइंड है जो कंट्रोल से बाहर हो रखा है और जो बहुत ज्यादा भौंक रहा है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड जो है वो, उसको आप, मैं हाथी से रिप्रेजेंट करूंगी, कि जैसे आप अपनी लाइफ में रहते हो, आराम से चलते हो, मस्त हाथी की तरह खुश रहते हो, और अगर इसको इस भौंकने 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 की वजह से कोई सोल शॉक लग गया, बाय द वे किसी वजह से सोल शॉक लग गया, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो एक हाथी की तरह बिहेव करता है, जो कि बौखला जाता है, जिसको जैसे हाथी जब बौखलाता है ना तो वो इधर उधर उधर ऐसे भागता है। तो जब आपकी कभी भी सोल शॉक वाली नौबत आती है, जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड इतना भौंक रहा था पीछे, और किसी वजह से जो है अगर कोई सोल शॉक लग गया, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एकदम एक हाथी की जैसे बिहेव करता है, जो कि बौखला जाता है, जिसको समझ नहीं आता, जो ये कहता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ने इतना दिमाग की धज्जी उड़ा दी कि कॉन्शियस माइंड जो है पूरा का पूरा हिल गया है, मेंटली इम्बेलेंस हो रहा है बंदा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बंदे की मन की स्थिति, मनोस्थिति खराब होने लग जाती है, ठीक है। अब अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो स्ट्रांग है, वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, वो आउल, अनकॉन्शियस माइंड को मैं आउल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कि अगर वो स्ट्रांग है और वो देख पा रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड ने भौंक भौंक के जो है कॉन्शियस माइंड की हालत खराब कर दी है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड यानी कि वो आउल जो है वो कॉन्शियस माइंड को गाइड करेगा कि नहीं 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 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तुम ठीक हो सकते हो, रिलैक्स, काम डाउन काम डाउन काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके सचमुच में अनकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, तो इसका मतलब कि आपको सही दिशा में जाने के लिए गाइडेंस मिल रही है। पर अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको, वो वीक है, वो आपको गाइड नहीं कर पा रहा है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना भौंक रहा है, और उसने कॉन्शियस माइंड की ऐसे तैसे फेर के रख दिया, तो फिर ऐसे हालत में बंदों की मेंटल इम्बैलेंस, डिप्रेशन या और भी कई सारे जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इसको मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताऊँ ना, तो बताती हूँ, जिस भी बंदे का जो है मून बहुत वीक होता है, ठीक है, मून जो है बहुत वीक होता है, 8वें स्थान 12वें स्थान का है, बहुत वीक है, या 4थे स्थान का है, या फिर जो है राहु के साथ किसी घर में प्लेस है मून, और बहुत वीक है, तो ऐसे बंदे की जब मून और राहु की या मून की गति चलेगी महादशा में या अंतरदशा में, तो ऐसे बंदे का जो है सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और वो चर 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 भौंक भौंक के जो है उस बंदे की जो है ऐसी तैसी मार के रख देगा। मून का संबंध सीधा मन से है, ठीक है। और अगर जिसका मून वीक है, ऐसे पर्सन को जो है मेंटल डिसऑर्डर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मेंटल, जब भी मून की गति उसकी कुंडली में आएगी और किसी गंदे ग्रह के साथ आ गई, पाप ग्रह के साथ आ गई, तब तो आप समझ लो कि गए काम से। तो ऐसे टाइम पे उसको जो है ना मून के उपाय करने होते हैं, बहुत अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ठीक है। अब किसी की कुंडली में अगर सूर्य और मंगल बहुत अच्छे घर में प्लेस्ड है, बहुत अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड है, ठीक है, तो ऐसे बंदे का अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक आउल के जैसे जो है उसको गाइड करता है, उसके कॉन्शियस माइंड को गाइड करता है कि देखो तुम हार नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते, मतलब सूर्य और अगर मंगल स्ट्रांग है कुंडली में कहीं, तो ऐसे बंदे का जो है सूर्य और मंगल जो है अनकॉन्शियस माइंड से जो है उसको गाइड करेगा कि सुनो तुम हार नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते, समझ रहे हो। तो जो मैंने आपको बताया था एक बारी कि एक वीडियो में, कि जब मैं बहुत परेशान थी तो मेरे को अंदर से आवाज आती थी आत्मा से कि तुम हार नहीं सकती, तुम तो कभी हारे ही नहीं। अभी रिसेंटली मैंने अपनी कुंडली खोल के देखी, तो उसमें पता चला कि मेरा सूर्य और मंगल जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, टचवुड,
है ना, सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का भी कारक होता है ना। तो मैंने देखा कि अच्छा, तो ये इसकी प्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग थी, इसी वजह से मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड की आवाज सुन पा रही थी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक है, मंगल वीक है, तो भाई साहब फिर बहुत डेंजरस वाली बात है, ठीक है। सो प्लीज, ये टाइम पीरियड जो होता है, पहले तो अनलिमिटेड नहीं है, ये कुछ एक डेढ़ दो साल टाइम का टाइम पीरियड होता है, जिसको कि आप किसी से भी कुंडली चेक करा के पता कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड का है ये टाइम। उस टाइम पीरियड में या तो अगर आप संभल गए तो आपने अपनी लाइफ का कोई गोल कर दिया, या अगर आप बिखर गए तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। ज्यादातर इस जर्नी में मैंने लोगों को देखा वो मून की महादशा में चल रहे हैं अंतरदशा में, राहु की महादशा अंतरदशा में, केतु की महादशा अंतरदशा में चल रहे हैं, ठीक है, या शनि की। मैंने देखा सबकी कुंडलियों में, इतनी कुंडलियां रोज आती है देखने के लिए। ज्यादातर मैंने देखा जिनका भी मून या राहु का चल रहा है, उन लोगों को बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो बहुत वियर टॉक्स कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों का मून इतना वीक है, तो मन को जो है पूरी तरीके से जो है, मन तो मतलब मन को तो ग्रहण ही लगा हुआ है इस वक्त पूरी तरीके से, और सूर्य भी वीक है, मंगल भी वीक है, तो क्या हो गया, अनकॉन्शियस माइंड तो कहीं से गाइड कर ही नहीं पा रहा है, कोई आवाज उनको आ ही नहीं रही है, जो जो गंदा रास्ता दिखा रहा है वो उसी के ऊपर चले जा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में जो आपको समझाया। आई होप ये डॉग, हाथी और आउल के फेस में आपको जो है मैंने जो समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आई हो, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड इज लाइक आउल, जो कि वो देख सकता है जो बाकी नहीं देख सकते, वो अंधेरे में भी देख सकता है। तो अगर वो स्ट्रांग है कुंडली में, अगर सूर्य मंगल स्ट्रांग है, तो वो देख सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं आत्मा से, वो आपको स्टैंड कर सकते हैं अपने ऊपर, मतलब कि आप अपने सही रास्ते पे जा सकते हो अगर ये इनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग है तो। पर अगर ये वीक है तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड आपको कुछ भी गाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो वो जो डॉग 24 घंटा भौंक रहा है उसको चुप आपको ही कराना पड़ेगा, ठीक है। जो 24 आवर्स दिमाग में पीछे चल रहा है उसको आपको खुद ही चुप कराना पड़ेगा और अपने कॉन्शियस माइंड से काम करना पड़ेगा। ईश्वर ने अगर कॉन्शियस माइंड इसलिए दिया है ताकि जो है आप अपने नियमित दिनचर्या कर सकें, कॉन्शियस माइंड ही शिव है ना, आप अपने सारी दिनचर्या कर सकें, आप किसी अजीबोगरीब चीजों में ना फंसे, आप खुश रहें। अगर आप अपने सारे काम दिन भर के जो आप पहले करते थे सारे काम अच्छे से कर पा रहे हो, तो यानी कि आप यू आर इन राइट पाथ, जैसे आप पहले करते थे। और अगर आप अगर पहले की जैसे जी नहीं पा रहे हो, लोगों से अलग हो रखे हो, अकेले में रहते हो, पहले की जैसे कुकिंग नहीं कर पा रहे, पहले की जैसे ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि कंट्रोल से बाहर है, जो कि डॉग बन के भौंक रहा है, उसने जो है आपकी जिंदगी झंड कर रखी है इस वक्त। सो बी केयरफुल, ठीक है, एंड प्लीज सही रास्ते पर रहें और सारी चीजों को मैनेज करें, ठीक है। सो ये हमारा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।